जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड NTSC चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया एकदम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। अगर आप बेसिक मैथ की वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे तो इस चैप्टर का जरूर इंतजार कर रहे होंगे। इस चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आज तक बचपन में हम लोगों ने इसको कैसे पढ़ा है? वही PRT अपॉन 100, अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस ये करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए 1 प्लस पता नहीं कितने का पावर। हम हो जाते हैं कंफ्यूज। लेकिन क्या हमें लाइव पर वैसे ही पढ़ना होगा? कुछ तो ट्रिक निकालने पड़ेंगे ना चीज़ों को सही से पढ़ने के लिए, समझने के लिए, याद करने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है और बेसिक मैथ इस लेक्चर में, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। शुरुआत सिंपल इंटरेस्ट से ही करेंगे, फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ेंगे और आपको बहुत ही बेहतर तरीके से मैं सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। पहले बच्चों, ये NTSC का आरंभ बैच चल रहा है, बेसिक मैथ का ये 10वां लेक्चर है, जिसमें इसके पहले हम लोगों ने 9 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस पढ़ा है, परसेंटेज पढ़ा है और यूनिटरी मेथड पढ़ा है। डन। पहले बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला आप काम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है हमारा, डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप पर जाइए, रैंकर्स NTSC को सर्च करिए और ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको क्लासेस की इन्फॉर्मेशन, डेली वीडियोस, डेली अपडेट, सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ मिलती रहे। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं तो आपको मैं ये भी बता दूँ कि हमारे यहाँ रेगुलर क्लासेस चलती है मंडे टू फ्राइडे 4 बजे मैथ्स की, 6:30 बजे साइंस की, 7:30 बजे रीजनिंग की। ये तीनों क्लासेस मंडे टू फ्राइडे आपकी चलती हैं, जिसमें हम सैटरडे प्लस संडे आपका ऑफ रखते हैं। साथ ही साथ अगर कोई क्लास आपकी छूट जाती है तो उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में पूरी की पूरी क्लासेस मिल जाएंगी। तो मेक श्योर सारी चीज़ों को कवर करते चलिए, मेहनत करते चलिए, सफलता ज़रूर आपके हाथ में हासिल होगी। प्यारे बच्चों, अगर आप NTSC को लेकर सीरियस हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारा टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपको बहुत सारे फायदे देगा, आपको टेस्ट तो देगा ही देगा, साथ ही आपको प्लस मेंटरशिप, प्लस गाइडेंस, प्लस जूम मीटिंग, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप अपनी NTSC की प्रिपरेशन में और बूस्ट कर सको, अपने आप को और जान लगा सको। ठीक है, तो पहली जूम मीटिंग उनकी 25 जुलाई को होने वाली है। जो बच्चे 25 जुलाई से पहले ज्वाइन करेंगे, उन्हें एक प्रारूप दे दिया जाएगा कि आगे आने वाले समय में उन्हें कैसे कैसे चीज़ें करनी है। टिल NTSC स्टेज 1 ये चलने वाला है, अमाउंट आपको देना है 299 रुपये, मात्र 300 रुपये 6 महीनों के लिए। ठीक है, तो टिल हम फर्स्ट ऑफ अगस्त आपको हेल्प कर रहे हैं, पढ़ाई तो कर ही रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? रैंकर्स लाइव के ऐप पर। कहाँ मिलेंगी? रैंकर्स लाइव के ऐप पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब स्टार्ट करेंगे हम लेक्चर। तो चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? ब्याज होता है। सिंपल मतलब क्या होता है? साधारण होता है। बहुत ही आसान भाषा में चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे आप इस एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मैं क्या किया, अपना बैंक में 1000 रुपया जाके जमा कर दिया, तो बैंक ने कहा कि भाई आपने हमारे पास 1000 रुपया अपना दे दिया है, तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दूंगा क्योंकि आपने अपना पैसा मेरे पास रख दिया। वाह, कितनी अच्छी बात है, तो मैं आपको इस पर इंटरेस्ट दूंगा। इंटरेस्ट मतलब ब्याज दूंगा। आप जब भी 1000 रुपया आपके आने वाले कुछ दिनों बाद लेने आएंगे तो आपका कुछ पैसा बढ़कर आपको मिलेगा। यही होता है इंटरेस्ट, मतलब हमारा फायदा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमने कंपनी को, बैंक को दे दिया 1000 रुपया, तो बैंक ने कहा आपको हम 10% एनुअल जो है वो इस पर ब्याज देंगे। मतलब अगर आप 1000 रुपया हमारे पास रखते हैं तो 1000 का 10% हम बढ़ा देंगे एक साल बाद जब आप लेने आएंगे। मतलब आप हमारे पास अगर 1000 रुपया छोड़कर जाते हैं तो मैं इसको 10% इंक्रीज कराकर आप जब एक साल बाद मेरे पास लेने आएंगे तो मैं आपको कितना रुपया दूंगा? 1100 रुपया। कैसे मैंने निकाला? 1000 का 10% निकाला, ये आ गया 100 रुपया। तो 100 रुपया हमने एक्स्ट्रा पा लिया। कितने साल में? एक साल में। किसने रुपए पर? 1000 रुपए पर। तो ये सारी कहानी थी। कहानी क्या थी? ये आदमी था, इसने 1000 रुपया बैंक को दे दिया, ये बैंक है। ठीक है, बैंक ने कहा हम आपको 10% पर एनम का वो देंगे, प्रॉफिट देंगे, जिसमें एक ईयर तक इन्होंने अपना पैसा रखा। तो 1000 × तो भाई बैंक ने कहा कि भाई चलो ठीक है, आपने एक ईयर रख दिया, तो मैं आपको अब एक साल बाद कितने रुपए दूंगा? 1000 का 10% निकाल कर कितना आ जाएगा? कहोगे भैया 100 रुपया। 1000 तो देगा ही देगा, ये 100 रुपया क्या दिया आपको? ब्याज दे दिया एक साल में। यही चीज अगर तुम एक साल एक्स्ट्रा और रख देते, 2 साल रखते, तो क्या होता?
भाई एक साल में वो तुमको 10% देता, अगले साल में 20% थोड़ी देगा, 10 ही% देगा। तो भैया पहले साल में 1,000 इंटू 10% किया तो तुम्हें कितना मिला ब्याज? 100 रुपया। अगले साल भी तुम्हारा वही पैसा है, तुम्हारा मेन पैसा कितना है? तुमने 1,000 दिया था, 1,000 पे ही ब्याज मिलेगा तुम्हें 10%, ये भी 100 रुपये। तो टोटल तुम 200 के फायदे में आ गए। अगर तुमने अपना पैसा रख दिया यहाँ पर तो तुम्हें कितना रुपया मिलेगा 2 साल बाद? 1,200 रुपया। अब कहानी में ये सारी चीजें क्या है? कहानी में ये सारी चीजें थी भाई, जो व्यक्ति 1,000 रुपया रखा वो कहलाता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल, इसे हिंदी में शायद मूलधन कहते हैं, ठीक है। जो पैसा हमने सरकार को दिया या बैंक को दिया उसे हम डिनोट करते हैं पी से। अब इस पर कुछ ब्याज हमें कुछ परसेंटेज में दिख रहा था, उसे हम कहते हैं रेट। हिंदी में हम कहते हैं उसे दर। क्या कहते हैं? रेट, ठीक है, कि भैया इतना रेट परसेंटेज पे आपको मिलेगा। एक चीज होती है समय, टाइम। ये समय क्या होता है? ये समय टी होता है, लेकिन ये ऑलवेज ईयरली होता है। ऑलवेज क्या होता है? ईयरली होता है। यहीं पर चीजों को समझ लेते हैं। एक छोटी सी चीज, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 साल 12 मंथ की बात करूं, तो 12 मंथ ईयरली की बात करूं तो आप लिखेंगे यहां पे 1 ईयर। अगर मैं आपसे कह दूं 18 मंथ, तो 18 मंथ्स किसके बराबर है? अगर ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 1 ईयर + 1/2 ईयर, तो ये हो जाएगा 3/2 ईयर। क्लियर है? इतनी चीज याद रखना। अब इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, बस एक बात मैंने आपको समझा दी ईयरली क्या होता है। ईयरली मतलब आपको ईयर में काम करना होगा। तो अगर आपने अपना पैसा पी अमाउंट आर परसेंटेज की रेट पर किसी को दे दिया इतने टाइम टी के लिए, तो वो आपको ब्याज कितना देगा? वो सिंपल इंटरेस्ट आपको देगा कितना? प्रिंसिपल, जो आपने अमाउंट रखा, इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। रेट हमेशा आपकी परसेंटेज में होगी, तो जो परसेंटेज लिखी रहेगी उसको डायरेक्ट आप लिख देंगे, वही आपका होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? डन, मजा आया, समझ में आई चीजें, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे एक सवाल दे दूं कि मैं आपको दिया कि प्रिंसिपल का अमाउंट 5,000 रुपया है, मैंने एक बैंक ने मुझे दे दिया रेट कितना? 15% का पर एनम का, और मैंने अपना पैसा रख दिया 3 साल के लिए, तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट मतलब उस पर मेरे पैसे पर मुझे फायदा कितना मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा? तो आपको सिंपल पीआरटी अपॉन 100 लगाना है। 5,000 इंटू रेट होता है 15, इंटू टाइम 3, रेट में आप रेट की न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे, अपॉन में 100 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 15 × 5 = 75, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 22, और ये आ जाएगा 2,250 रुपया। मतलब आपने 5,000 रुपया रखा 15% के फायदे पर, आपको ये चीज कितने का फायदा हो गया? 2,250 रुपया का। कितने साल में? डन है ना? हाँ, 510%, हाँ सही है। तो कितने साल में आपको फायदा हो गया? 3 साल में 15% की रेट पर आपको फायदा हो गया 2,250। मतलब आप आए 3 साल बाद तो आपको पैसा कितना मिलेगा? उसे हम कहते हैं अमाउंट। उसे क्या कहते हैं? अमाउंट, मतलब हिंदी में इसे क्या कहते हैं? मिश्र धन। वो पूरा पैसा जो मेरे मूल धन के साथ जितना मैंने दिया था, मेरे प्रिंसिपल और मेरे ब्याज को जोड़कर जो मुझे तुम दे दोगे, वही क्या होता है? वही आपका मिश्र धन या अमाउंट कहलाता है, टोटल अमाउंट, ठीक है। मतलब अब मुझे अमाउंट कितना मिलेगा जब मैं बैंक के पास 3 साल बाद जाऊंगा? तो बैंक मुझे दे देगा कितना? दे देगा 7,250 रुपया। अरे भाई, समझ में आया कि नहीं आया? एक बार सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करेंगे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट, वेरी इजी कॉन्सेप्ट, ये तो बचपन की वो बात हो गई जो हम लोगों ने सीखी है। तो आपको बेसिकली फॉर्मूला एक छोटा सा ये याद रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। और अमाउंट क्या होता है? अमाउंट आपका होता है प्रिंसिपल इंटू सिंपल इंटरेस्ट। बहुत छोटा और बहुत साधारण फॉर्मूला है, ठीक है, क्योंकि हम अभी साधारण ब्याज पर बात कर रहे हैं। अब आइए मैं आपको खेलना सिखाता हूं थोड़ा। प्यारे बच्चों, ये जो पीआरटी अपॉन 100 है एसआई में, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये परसेंटेज क्या होता है?
क्योंकि भैया परसेंटेज तो 1/100 होता है, ये आपने बताया परसेंट, परसेंट एक प्रतिशत कितना होता है 1/100। अगर मैं इसको कहूं कि इसको आप लिख लो पी इंटू आर टी अपॉन 100, पी इंटू आर टी अपॉन 100, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, पी इंटू आर टी परसेंटेज, क्या लिख सकते हो, पी इंटू आर टी परसेंटेज। तो छोटा सा आप फॉर्मूला याद क्या कर सकते हो, SI इक्वल टू पी इंटू आर टी परसेंटेज। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई बंदा 2000 रुपया लिया, रेट उसको मिली मान लेते हैं 20%, और टाइम उसने लिया 5 साल, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैं तरीका बताता हूं, आपको क्या करना है 20% × 5 कर देना, कितना आ जाएगा 100, 20 × 5 100%। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो पी इंटू 100% कर दो, 2000 का 100% निकाल दो, आ जाएगा आपके पास आंसर, 2000 का 100% निकालोगे आ जाएगा 2000, मतलब 2000 रुपए अगर आप 20% रेट के साथ 5 साल के लिए छोड़ते हैं तो आपको 2000 रुपए और मिल जाएगा। मतलब टोटल अमाउंट की अगर मैं बात पूछूं तो हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस SI, ये हो जाएगा आपको 2000 प्लस 2000, मतलब यही पैसा आपको 5 साल में कितना मिलेगा 4000। क्या ये चीज कठिन है प्यारे बच्चों, क्या ये चीज टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है, अगर आप चीजों को समझ सक रहे हैं तो, मतलब समझ पा रहे हैं तो। बस ये आसान बात था, आज तक आपने बस इतना ही पढ़ा है, लेकिन आज हम इसके आगे भी डिस्कस करेंगे चीजों को और बहुत प्यार से चीजों को समझेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगर यहीं पर मैं कहता कि एक पैसा रखा हुआ है प्रिंसिपल के अमाउंट 1000 और रेट आपको दे दिया 5% और टाइम दे दिया आपको कितना 30 मंथ्स, तो आप क्या करोगे? अब किसी बच्चों को नहीं पता रहेगा तो वो 1000 × 5 × 30 / 100 कर देगा, यहीं पे गलती कर देगा। आपको टाइम हमेशा ईयरली लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये रेट जो होता है ना, ये रेट हमें ईयरली पर दी जाती है। ये किस पे दी जाती है? ईयरली दी जाती है, कि मतलब 5% आपका बढ़ेगा 1 साल में। रेट के बारे में हमने थोड़ा सा कम डिस्कशन किया है, रेट जो होता है उसको आप यहां पे लिख लीजिए अपने कॉपी में, कहां था, रेट परसेंटेज इज बेस्ड ऑन ईयरली, ठीक है, क्लियर। तो ये भी क्या आपको रेट परसेंटेज दिया जाता है कि ईयरली, ठीक है, डन है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो चुका था लेकिन डन। तो ये भी आपको ईयरली दिया है, तो ये भी आपको ईयरली ही चाहिए, कि ये 30 मंथ को आपको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 30/12 करेंगे तो ये आ जाएगा 12 × 24 = 36/12, ये आ जाएगा आपका 2.5 साल। अब यहां पे रखेंगे 1000 × 5 × 2.5 की जगह हम लिख सकते हैं 5/2, ये हो जाएगा 100 × 2, ये से इससे काट दिया, 5 × 25 = 25/2 और काट दो, 1 × 2 = 10, तो ये आ जाएगा 125 रुपया। तो 125 रुपया का इसको ब्याज मिलेगा। अगर मैं आपसे अमाउंट पूछ लूँ तो आपको कुछ नहीं करना है, SI + P कर देना, P + SI या SI + P, मतलब 1000 + 125, ये कितना आ जाएगा, कहोगे भैया 1225, सिंपल भाषा में समझ में आई। अब मैं आपको कुछ और चीजें सिखा देता हूँ, जैसे आपको डे वाइज दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, डे वाइज कहीं पर लिख दिया जाए कि इतना डे है। प्यारे बच्चों एक ईयर में कितने साल कितने दिन होते हैं, कहोगे भैया 365 डे, हमेशा क्योंकि लीप ईयर में 366 होते हैं, आप लोग मेरे से रीजनिंग भी पढ़ चुके होंगे, तो ये कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। अगर मैं आपको कह दूं कि 73 डेज के लिए कहीं पे रखा गया पैसा, तो वो ईयरली में कितना होता है, वो होता है 1/5। इसी तरह अगर मैं आपसे कह दूं 146 डेज के लिए कोई पैसा रखा गया तो वो ईयरली में कितना होगा, तो वो कहोगे भैया 2/5। अगर मैं आपसे कह दूं कि 219 डेज कोई पैसा रखा गया तो वो ईयरली में कितना होगा, कहोगे भैया 3/5। अगर मैं आपसे कहूं कि 3 × 12 = 7 × 28 = 29, 292 दिन के लिए कोई पैसा रखा गया तो वो ईयरली में कितना होगा, वो कहोगे 4/5 ईयर। तो कभी भी आपको अगर डे वाइज भी आ जाए कि इतने दिन के लिए हमने पैसा रखा, तो इसको अपने थोड़ा दिमाग में रखेंगे तो आप तुरंत कन्वर्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं भी कन्वर्ट कर पाते तो भाई
आपको यूनिटरी मेथड तो पढ़ाया है कि इतने दिन में इतने ईयर है, तो इतने दिन में कितने ईयर होंगे, तो सब चीज निकाल सकते हो तुम, डन है। बस ये छोटी सी बात थी, इंपॉर्टेंट बात थी, जो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चंस इसी लेक्चर में करेंगे, आपको और चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मेरे से परसेंटेज भी पढ़ा है, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में करके हमने पर प्रॉफिट लॉस के सारे सवाल किए, एसआई में भी करेंगे। आइए आपको मैं वो तरीका सिखाता हूँ जिससे आप सवालों को और आसानी से और स्पीड से कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सीखिएगा, बड़ा ही मजा आएगा। एक सेकेंड, मेरा बाल इधर उधर हो गया। चलिए प्यारे बच्चों, अगर आपको कहीं पर, पहले आप बात ये करते हैं कि एसआई क्या होता है। ये होता है प्रिंसिपल, रेट, टाइम और 100। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये टाइम कितना है, एक ईयर, मतलब एक ईयर की बात करूं, तो आपका जो एसआई आएगा वो कितने साल के लिए आएगा, वो एक ईयर के लिए आएगा, समझिएगा थोड़ा सा। अगर मैं आपसे कह दूं कि टाइम एक ईयर है, तो एसआई किस पर आएगा, एक ईयर पर आएगा। तो अगर एक की इसमें वैल्यू रख दें तो एसआई फॉर वन ईयर क्या आएगा, ये आ जाएगा पी इंटू आर अपॉन 100, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है भैया। थोड़ा सा प्रोसेस आगे बढ़ाओ, इधर कर लेते हैं इसको। पी आर अपॉन 100 को हमने लिख दिया एसआई वन ईयर के लिए, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि रेट अपॉन 100 मैं कह दूं, रेट अपॉन 100 कह दूं, तो ये कह दोगे कि तुम ये एसआई फॉर वन ईयर डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल हो जाएगा। अब तुम लोगों को खेल सिखाता हूं। ये क्या है रेट अपॉन 100, क्या है ये है रेट परसेंटेज, क्या है रेट परसेंटेज इक्वल टू एस आई फॉर वन ईयर डिवाइडेड बाई पी। अब समझना खेल थोड़ा सा। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई रेट है 10%, कोई रेट है 10%, तो हमें तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आता है। इसको अगर मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया तो ये हो गया 1/10। तो यहाँ पे ये जो चीज नीचे वाली होती है, ये आपको बताती है कि 10 रेशियो अगर प्रिंसिपल अमाउंट है, अगर 10 रेशियो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल है आपका, तो आपको ये जो ऊपर आ रहा है ना, एक साल में 1 रेशियो का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी सवाल करेंगे। 10 रेशियो प्रिंसिपल अमाउंट है, तो आपको 1 रेशियो इस पर सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा एक साल में। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि 2 साल में कितना मिलेगा, तो कुछ नहीं करना है आपको। 1 साल में 1 रेशियो, तो 2 साल में 2 रेशियो। मैं आपसे कह दूं कि 10 साल में कितना मिलेगा, तो कह दोगे 1 साल में 1 रेशियो, तो 10 साल में 10 रेशियो। प्यारे बच्चों, अब खेल खेलना आपको सिखाता हूं, कैसे खेल खेला जाता है। मैं आपके सामने कुछ सवाल लिखता हूं मेरे दोस्त, अब मैंने आपके सामने सवाल रख दिया है, अब परसेंटेज से कैसे खेलते हैं आपको सिखाता हूं। प्यारे बच्चों, हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले हैं, सब कुछ बड़े आसान भाषा में समझने वाले हैं। 12.5% का आपको रेट दिया गया है, टाइम दिया गया है 2 साल का, प्रिंसिपल अमाउंट ये दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है एसआई और ए, एसआई और अमाउंट। 12.5% रेट को क्या आपको बटे में कन्वर्ट करने आता है, फ्रैक्शन में आता है? कहोगे भैया बिल्कुल, ये होता है 1/8। तो ये क्या है, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। आपने जितना पैसा लगाया, 8 रेशियो लगाया, तो 1 साल में आपको एसआई कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल में कितना मिलेगा, 1 रेशियो। तो 8 रेशियो बराबर कितना है, 8 रेशियो बराबर कहोगे भैया 16,000 रुपया है। तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 1 रेशियो बराबर आ जाएगा आपका 2,000 रुपए। प्यारे बच्चों, 1 रेशियो बराबर 2,000 आया, मतलब 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 2,000, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास 1 साल के लिए है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 साल के लिए, तो 2 रेशियो, 2 रेशियो की वैल्यू 4,000। भाई साहब, सिंपल इंटरेस्ट कितनी जल्दी से, आसानी से आपको कितना आ गया, 4,000 रुपया। मजा आया प्यारे बच्चों। अब यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं कि अमाउंट कितना मिलेगा, तो आप कहोगे भैया अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई और कंप्लीट एसआई, नॉट ओनली फॉर वन ईयर। तो अगर मैं यहाँ पे रेशियोज की बात करूं, तो 2 रेशियो होगा 2 साल के लिए बटे 8, और 8 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, कहोगे 10 रेशियो। तो 10 × 4,000, एक सेकेंड, नहीं 2,000, ठीक है। तो 10 × 2,000 कितना आ जाएगा, 20,000 रुपया। मतलब आपको समझ में आया कि अगर आप चाहो तो बड़े ही आसानी से, अगर आपके पास 1 साल का अगर परसेंटेज आपको मिल जाए, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। या फिर आप फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हो, आरटी परसेंटेज पहले ही लगा लो और यहाँ पे लिख दो कि ये है एसआई
अपॉन पी, और ये ऐसा ही होगा टी टाइम के लिए, ठीक है? मतलब समझे नहीं समझे कोई बात नहीं। अरे मैं कह दिया कि ये 12:30 को लिख दो, तुम 1/8 इसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये हो जाएगा 2/8, हो तो गया वही चीज जो हमें रिक्वायर्ड थी। ये आ गया प्रिंसिपल, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, ठीक है? अमाउंट पूछा जाएगा तो क्या करोगे? अरे भाई प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ही तो अमाउंट होता है। मजा आया भाई? मजा आया हो तो लाइक कर देना, क्योंकि बड़ी ही अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखा रहा हूँ, वादा के साथ मैं कह सकता हूँ बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। चलो रेट आपको दे दिया गया इतना, टाइम इतना दे दिया गया, आप मुझे बताओ कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा। अरे भाई हमने आपको सिखाया 16:48, 50/3, 50/2, मतलब ये फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा 1/6। आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो, आरटी परसेंटेज किसके बराबर होगा? ये होगा एसआई फॉर टी टाइम के लिए अपॉन प्रिंसिपल। एसआई कितना हो जाएगा? एसआई अपॉन पी पहले निकालेंगे। आरटी परसेंटेज कितना होगा? कहोगे भैया 1/6 फ्रैक्शन में हो गया, आर परसेंटेज टाइम का मल्टीप्लाई कर दो 15, 2 × 6 × 2 × 6 और ये कितना आ गया? अरे 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15, 5/2 कितना आ गया? 5/2। अब देखो ये क्या आया, ये है आपका प्रिंसिपल, ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपलर सिंपल इंटरेस्ट इन 15 ईयर। कितने ईयर में? 15 ईयर। तो प्यारे प्यारे मेरे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट 15 ईयर में आया है, तो प्रिंसिपल बटे अमाउंट चाहिए, तो 2/ क्या आ जाएगा? अरे इस एसआई को जोड़ोगे 2 में तभी तो आएगा, तो 2/7। आया समझ में जी? अगर यहीं पे तुमको प्रिंसिपल दे दिया जाता कितना, कि प्रिंसिपल 1000 है, तो तुम तुरंत निकाल देते एग्जैक्ट प्रिंसिपल। नहीं प्रिंसिपल नहीं दिया जाता तुम्हें, कुछ भी दे दिया जाता, या प्रिंसिपल ही मान लो 1000 तुम्हें दे दिया जाता और तुमसे अमाउंट पूछा जाता, तो देर 2 रेशियो के बराबर 1000 लेके 1 रेशियो = 500, तो अमाउंट की वैल्यू निकाल देते 3500। फ्रैक्शन से खेलना तो आ गया है ना, अभी समझ में तो आता है ना इतना तुम लोगों को, उम्मीद करता हूँ। और तुम लोग कमेंट करके बताया करो कम से कम, जो पढ़ते हो, जिसके लिए मैं बना रहा हूँ, जिसके लिए घंटों घंटों में मेहनत कर रहा हूँ, वो तो बताया करो यार। चलो रेट है 2.5%, टाइम है इतना, सिंपल इंटरेस्ट आपको इतना दिया गया, प्रिंसिपल पूछ रहा है, आराम से करेंगे। प्यारे बच्चों आपको इतना तो याद है ना, आरटी परसेंटेज क्या होता है? आरटी परसेंटेज आपका होता है एसआई फॉर टी टाइम अपॉन प्रिंसिपल। एसआई फॉर टी टाइम आरटी परसेंटेज अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो ये हो जाएगा रेट जो है वो 2.5% है, 2 × 4 = 1, 5/2, 5/2 × 1/100 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 5 = 20, 1/40। हमेशा फ्रैक्शन में काम करना है, 1/40 इंटू टाइम कितना है चाहते 12 × 13/4, तो ये आ जाएगा आपका 13/160। अब ये 13/160 में ये आपका एसआई फॉर इतने साल के लिए, इतने टी टाइम के लिए, और ये है आपका प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो। प्यारे बच्चों ये किसके बराबर दिया हुआ है? ये सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 143 के, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आई? 13 × 13 = 11 आई, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा? 11/0/0 = 11/6/66 / 11/11/6 = 17। प्यारे बच्चों जिसे फ्रैक्शन से खेलना आ गया, जिसे परसेंटेज से खेलना आ गया, वो किसी भी सवाल को धराशायी कर सकता है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बढ़िया से यहां तक चीजें समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। चलिए ओ तो पेज नहीं है, रुकिए रुकिए कोई बात, ये सारे सवाल हम लोग करेंगे अभी, बिल्कुल चिंता मत करिए, सभी सवाल करेंगे और चुटकियों में आप सवाल लगाएंगे, मेरा वादा है आपसे। चलिए यहाँ पर हमारे पास जगह है, ये सारी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि कोई भी आपका अमाउंट है, कोई भी एक पैसा है, वो पैसा आपका इतना गुना हो जाता है, कितना हो जाता है? इतना गुना हो जाता है इतने टाइम में इतने रेट पर, तो आप कुछ रिलेशन बना पा रहे हैं क्या? क्या आप कुछ रिलेशन बना पाएंगे? मतलब कहने का मतलब है कि आपने एक बैंक को इतना पैसा दिया, उस बैंक ने आपको रिटर्न दे दिया इतने गुना, आपके पैसे का इतना गुना, और आपसे वहां पे अगर रेट दे दिया जाए और टाइम पूछा जाए तो क्या आप निकाल पाओगे? या फिर रेट न, टाइम दे दिया जाए रेट निकालना पड़े, तो ये सारी चीजें कैसे कर पाओगे? देखो आओ समझते हैं। सबसे पहले मैं आपसे अगर पूछूं कि एसआई क्या होता है, तो आप कहोगे भैया पीआरटी अपॉन 100। अभी फॉर्मूला बहुत बढ़िया से याद करा दूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि अमाउंट क्या होता है, तो आप कहोगे भैया प्रिंसिपल प्लस एसआई,
अच्छा, इस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ही रहने दो, यहाँ पे हमने रख दिया SI की वैल्यू जो हो गए PRT/100, क्लियर है, ये है अमाउंट। आपने कहा कि भाई जो हमारा अमाउंट है ना ये प्रिंसिपल का इतना गुना हो जा रहा है, मतलब प्रिंसिपल अगर हमारा 1000 रुपए है तो ये इसका 2 गुना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है, मतलब अमाउंट आपका क्या हो जा रहा है, NP हो जा रहा है, NP, N टाइम्स ऑफ P, तो NP इक्वल टू P+PRT/100, क्लियर है, NP इक्वल टू P+PRT/100, तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, P अगर कॉमन ले ले तो N=1+RT/100, या फिर हम कह सकते हैं कि N-1=RT/100। भाई साहब कितना बढ़िया फॉर्मूला और कितना आसान फॉर्मूला निकल गया कि अगर आपका कोई पैसा है, किसी पैसा आपका इतने साल में या इतने परसेंटेज पर इतने गुना हो जा रहा है, तो अगर आपको रेट दे दिया जाए, आपको गुना दे दिया जाए, टाइम पूछा जाए, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होने वाला है, जितना गुना कह रहा है उसमें से एक घटा दो, ये किसके बराबर होगा, RT परसेंटेज के। अरे भाई समझ में आया, भाई समझ में आया, अगर समझ में आया है तो सवाल देता हूं, करो। चलिए प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने एक सवाल रख दिया कि एक मेरा पैसा है इतना अमाउंट 15000 रुपया है, मैंने इसको 20% के रेट पर रखा और ये कुछ सालों बाद मेरे ही पैसे का 6 गुना हो गया, एन का मतलब है इतने गुना हो गया, तो आप मुझे बताइए कि कितने साल मैं पैसे को अपने आप मेरा मैं अपना पैसा कितना साल रखूं कि मेरा पैसा जो है वो मेरे ही पैसे का 6 गुना हो जाए। तो बिल्कुल आसान फॉर्मूला वही, N-1=RT/100, बहुत आसान है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा आपको, N-1 का मतलब 5, RT/100 का मतलब 20 इंटू टाइम अपॉन 100, 20/100 मतलब 5, 5 से इसको गुणा कर दो तो टाइम कितना आ गया भाई, अगर आप पैसा अपना 16000 रुपया 25 साल के लिए रख दें 20% पर, तो आपका पैसा जो है वो 6 गुना हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या हमने कहीं पर प्रिंसिपल का यूज किया, मतलब प्रिंसिपल की हमें कोई यूज नहीं है, तो सेकेंड क्वेश्चन यही है कि अगर आपको रेट दे दिया जाए 37.5%, कोई प्रिंसिपल जो है वो इतना गुना हो गया, मतलब कितना गुना हो गया, 8/7 गुना, तो बताओ कितना साल लगेगा इतना गुना होने में, तो 37.5% का मतलब क्या होता है, 37 सही 1/2, और ये कितना होता है, ये आपका होता है 75/2%, इसको कर दो 1/100, ठीक है, या फिर इसी तरह छोड़ दो, सीधा फॉर्मूले में रख दो, आपके ऊपर है, पहले ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो या तो बाद में करो। तो भैया हमने क्या पढ़ा है, N-1=RT/100, तो N-1 मतलब 8/7-1=, क्या आ जाएगा, R क्या है, 75/2 इंटू 100 इंटू टाइम, अरे वही 100वां है जी, जो परसेंटेज को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, 25 75 25 4 100, 3/8, अब यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/7, इक्वल टू क्या आ गया भाई, इक्वल टू आ गया तुम्हारा कितना, 3/4t, मतलब यहाँ ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 4/7 21t, मतलब इतने टाइम में आपका क्या हो जाएगा, ये पैसा इतना गुना हो जाएगा। हाँ यहाँ पे हमारा 2 छूट गया, क्या 4 2 8, ठीक, इसको 8 कर दो, तो 8/21 ईयर में आपका पैसा जो है वो 8/7 गुना हो जाएगा अपने पैसे का। तो क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आई आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूँ, और इस चैप्टर का एक आखिरी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग जमकर सवाल करते हैं। कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों ये है कि एक प्रिंसिपल अमाउंट है आपका, एक पैसा है जिसको हमने R1% पर किसी को दिया, T1 टाइम के लिए दिया, तो हमारा जो पैसा है वो N1 टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया, हमारा पूरा पैसा जो है वो अमाउंट जो है वो N1 टाइम्स ऑफ P हो गया, क्लियर है। इसी तरह हमने देखा कि इसी प्रिंसिपल अमाउंट को हम R2% पर रखते हैं, T2 टाइम के लिए रखते हैं, तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया, N2 टाइम्स ऑफ P। तो क्या हम इन दोनों में कोई रिलेशंस निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे, हम ऐसे निकाल पाएंगे, अगर मैं पहले केस की बात करूँ तो पहला केस यही कहेगा कि N1-P जो होगा वो R1T1/100 के बराबर होगा। इसी तरह अगर दूसरा केस मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे N2-1 जो होगा वो R2T2/100 के बराबर होगा। मैं कहूंगा कि आप दोनों को डिवाइड कर दो, आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा,
फॉर्मूला क्या बचेगा? फॉर्मूला बड़ा आसान है, N1-1/N2-1=R1T1/R2T2। सवाल कैसे आता है अभी मैं बताता हूँ। अब मैं आपके सामने सवाल रख देता हूँ कि इस फॉर्मूले पे सवाल कैसे आता है और आपको एग्जाम में कैसे करना है। सवाल बड़ा आसान है कि कोई पैसा है जो 15 साल में अपने पैसे का 31 गुना हो जाता है, तो बताइए कितने साल में अपने पैसे का 25 गुना होगा अगर ये पैसा आर परसेंटेज के रेट पर रखा गया है, सेम परसेंटेज के रेट पर रख दिया गया है। तो आपसे पूछा गया कि 15 साल में अगर ये 31 गुना हो जा रहा है तो बताइए कितने साल में ये 25 गुना हुआ होगा। तो आपको याद क्या रखना है, N1-1/N2-1=R1T1/R2T2। प्यारे बच्चों यहाँ पर R1=R2 है क्योंकि सेम पैसे की बात हो रही है, दोनों पैसा एक ही रेट पर रखा गया है R परसेंटेज पर, तो R से R भी खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या N1-1/N2-1/T1/T2। तो N1-1 की करेंगे तो हमें आ जाएगा 30, N2-1 करेंगे तो आ जाएगा 24, T1 की बात करें तो ये है 15, T2 की बात करें तो ये क्या आ जाएगा 15 × 15 = 30, 2 × 12, तो T2 की वैल्यू क्या आ गई 12 साल। प्यारे बच्चों 12 साल आ जाएगा आपका वैल्यू, डन। तो आज का जितना थ्योरी था, थ्योरी पोर्शन, वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब इस पर बेस्ड हम लोग सवाल लगाएंगे ताकि आपको सारी चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएं। और अब आप देखिएगा आप चुटकियों में सवाल कितने तेजी से करते हैं बिना फॉर्मूले का, बहुत कम यूज किए, ठीक है। चलिए पहले सवाल पर बढ़ते हैं भाई। प्यारे बच्चों सवाल नंबर पहला, बहुत तेजी तेजी से सवाल करेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा कि तेजी से सवाल कैसे लगाए जाते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, 10 × 30 = 30%, 1500 का 30% फटाक से निकालो भाई। 1500 का 30% कितना होगा? अरे भाई कहा यार, तुम लोग कितना लेट करते हो, 450, खत्म, एंड फिनिश, समाप्त, टाटा बाय बाय। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द 800 × 56 = 30, 8 × 3 = 24, 240, ऐसे मुझवानी। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना फ्रॉम 11 May 1987 to 12 September 1987, इसके बीच में गिनो कितना टाइम आता है। प्यारे बच्चों अगर 11 मई से हम काउंट करना चाहें, मई तो छोड़ो, मान लो मई छोड़ लेते हैं पूरा, ये मई हमें 11 से काउंट करना है, 11 मई से मई 31 तक का होता है, तो 31 में से 11 घटाया कितना आ गया 0, 3 में से 1 घटाया 2, 20 दिन इसमें आ गया। और जून में कितना हो गया, जून में आपका 30 दिन, जुलाई में आपका 31 दिन, अगस्त में आपका 31, सितंबर में आपका 12 दिन, तो 3 × 3 = 6, 3 × 9 = 11, 11 = 12, 2 × 2 = 4, कितना आया 3 × 4 = 7, 7 × 10 = 10, 10 × 2 = 12, और ये आ गया कितना, तो सही तो आ रहा है शायद ना, 71 × 2 = 124, ये 21 होगा ना जी, 11 मई से लेकर 31 मई तक 21 दिन होगा, कैलकुलेट कर लो, तो ये 125 आ जाएगा। तो अगर मैं ईयर में इसको कन्वर्ट करूं तो ये 365 से डिवाइड कर दूंगा, तो बस फिर क्या रह गया, 7300 × रेट कितना है भाई साहब 10, इंटू टाइम कितना है 125/365 × ये कितना हो गया upon 100, जीरो, ये जीरो से जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 5 × 5 = 10, 25 × 25 = 125, ये हो गया 73, 73 से ये गया तो ये 10, तो 25 × 2 = 250। बड़ा ही आसान सवाल था, बस आपको डेज में कन्वर्ट करने आना चाहिए, ये सारी चीजें हमने कैलेंडर में डिस्कस बहुत अच्छे तरीके से किए, ठीक है। जॉन इन्वेस्टेड ए सम ऑफ मनी एट द एनुअल सम इंटरेस्ट ऑफ इतना, एट द एंड ऑफ 4 years द अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस इंटरेस्ट अर्नड वाज 770। अब देखो, अब खेल खिलाड़ियों वाला खेलेंगे हम लोग, 770 रुपए अमाउंट वो रिसीव किया है कितने साल में, 10% पर 4 साल में। अगर मैं आपसे कहूं कि ये आरटी परसेंटेज कितना होगा, आरटी परसेंटेज तुम कह दोगे 40%, तो 40% को तुम कन्वर्ट कर सकते हो ना जी, किसमें किसमें, अरे भैया उसी में 4/10, मतलब क्या 2/5, तो ये 5 क्या होता है, ये प्रिंसिपल अमाउंट, ये क्या होता है, ये SI होता है 2 साल के लिए, तो भैया अमाउंट क्या होता है 5+2 = 7 रेशियो, अब 7 रेशियो किसके बराबर है 770, तो 1 रेशियो किसके बराबर होगा, कहोगे भैया 110। अब क्या पूछ रहा है बताओ जी, क्या पूछ रहा है, द अमाउंट इन्वेस्टेड प्रिंसिपल पूछ रहा है पगला, 5 रेशियो प्रिंसिपल होगा, तो 11/55, भाई कोई फॉर्मूला लगाया हमने, लगाया नहीं ना, फ्रैक्शन से खेलेंगे हम, आ जाओ मेरे यारो, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन इजी 4% पर ईयर, 5 ईयर की बात है 600, हाउ मच प्रिंसिपल अमाउंट, अच्छा
एसआई दे दिया आपको, एसआई दे दिया आपको 600, तो भैया पांचों का 20% मतलब 1/5, 1/5 में ये क्या है, एसआई है, तो प्रिंसिपल ही पूछ रहा है ना जी, 1/600 तो 5/56 खेलो खेलो, अगर नहीं खेल पा रहे हो तो दिक्कत है। ए मैन टुक ए लोन फ्रॉम ए बैंक 12% पर एनम एट द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर ही हैड टू पे 7200 एज इंटरेस्ट ओनली फॉर द पीरियड द प्रिंसिपल अमाउंट। अच्छा एसआई दे दिया है आपको 7200, ठीक है 12% पर एनम के हिसाब से 3 साल लिया मतलब 36%, तो भैया 12% 36% मतलब 36/100, 36/100 में 36 किसके बराबर है, 7200 के बराबर, तो भैया 36 से कम 36, 36 × 72 = 200, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा जी। खेलो खेलो, क्या खेल रहा हो सीख लो ना, एक बार फिर सीख लो, आरटी परसेंटेज किसके बराबर होता है, एसआई बाई पी, बस आरटी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, जो ऊपर वाला पार्ट होगा एसआई बताएगा, जो नीचे वाला पार्ट होगा वो पी बताएगा, रेशियोज है, कन्वर्ट करके कंपैरिजन करा दो, इतना तो खेलना सीख गए होगे उसमें से, यही सिखाना चाहता हूँ असली बात तुम लोगों को, डन है। चलो सातवां, इन हाउ मेनी इयर्स विल सम ऑफ इतना इल्ड एट इंटरेस्ट इतना एट 12% एनम। अच्छा अरे यार कितना आसान सवाल है, प्रिंसिपल दे दिया गया आपको और क्या दे दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया गया 1080, प्रिंसिपल कितना है 3000, आपको परसेंटेज 12 दे दिया गया, टाइम पूछ रहा है, अपॉन 100 कर दो, इसको इससे काट दो, 12 से काट दो, 12 × 9 = 98, 30 से काट दो, 30 × 90 3 साल, ऐसे। इन हाउ मेनी ईयर विल सिंपल इंटरेस्ट इतना इफ 500 इज लेंट आउट एट द रेट ऑफ 5%। ऐसा ही तुमको ये दे दिया गया, प्रिंसिपल अमाउंट ये दे दिया गया, रेट ये दे दिया गया, टाइम बताना है जी। अरे जी 150 = 500 × rate 5 × t/100, ये गया इससे, ये गया 5 × 15, 30/5, 30/5/6, तेरी के। चलो नेक्स्ट, एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम विल सिंपल इंटरेस्ट 600 फॉर 10 ईयर बी 120। अच्छा एसआई दे दिया 120, प्रिंसिपल दे दिया 600, टाइम दे दिया 10 ईयर, रेट पूछ रहा है, भाई तीन चीज दे दिया एक चीज पूछ रहा है, तो एसआई इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100 लगा दो ना। सवाल इसी तरह से तेजी से किए जाते हैं, 120 = 600 × 10 × r/100, ये गया, ये 10, ये 6 × 12 = 20, 10 × 20 2%, ऐसे। ए मनी लेंडर चार्ज ₹120 एज सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना फॉर 4 मंथ, याद रखना 4 मंथ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। अच्छा ₹120 का ये सिंपल इंटरेस्ट ले लिया, ₹400 पे रेट पूछ रहा है, टाइम जो है वो 4 मंथ, 4/12 × 100, 3 × 4 = 30, 90%, ये 3 नहीं कटा है अभी बचा हुआ है, r = 90%, मजा आया जी, मजा आया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1500 इज गिवन एट 6% पर 5 ईयर, फाइंड द अमाउंट, 30% मतलब 30/100, ऐसे थोड़ा फ्रैक्शन से सिखा दो तुम लोग को, 3/10, ये क्या है, ये है प्रिंसिपल अमाउंट, 150, 1:150, तो 13:65, 13×5 = 6, 13 × 6 = 1950, भाई रेशियो से खेलना नहीं आएगा तो तुम लोग पीछे रह जाओगे, रेशियो से खेलने वाले ऐसे खेलेंगे। आइए आम जिंदगी भी बात कर लेते हैं, आम जिंदगी देख रहे हो कितना सेकंड लग रहा है, सेकंड में सोच क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, आम जिंदगी वाले एसआई निकालेंगे पहले पीआरटी अपॉन 100 से, एसआई निकालेंगे तो उनका आ जाएगा 1500 × 6 × 5/100, ये आ जाएगा 6×5 = 30, 15×3 = 45, 450 रुपए, अब जाके वो इसको 1500 में ऐड कर देंगे, उनका भी आ जाएगा कितना 1950, खेल खिलाड़ियों का है ऐसे, 17000 रुपया 10% 2 साल के लिए, फाइंड द अमाउंट 2 ईयर, अमाउंट पूछ रहा है, 10 × 20% मतलब 1/5, 5/17000, अब ये होगा 5 × 1 = 5, 5 × 15, 5 × 20 = 3400, 1:6 तो 6:6, क्योंकि अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई का रेशियो, इन दोनों को जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा, तो 6×6 = 24, 4×3 = 18, 2 = 20, खेल ऐसे खेलना है। जवाब थोड़ा कमेंट में देना अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताना। ए मनी अमाउंट इतना एट द रेट ऑफ इतना इतना, फाइंड द मनी, अब ये अमाउंट दे दिया, मनी पूछ रहा है, किसी फॉर्मूले के झमेले में नहीं पड़ेंगे हम, 10 × 20, ये आ गया कितना 25%, 25% इक्वल टू हम लिख देते हैं 1/4, अब ये देखो 5:25 दे दिया, 1 25 00, तो 5 × 10 25,
2500, तो एक रेशियो बराबर 2500, हमें क्या चाहिए, हमें प्रिंसिपल अमाउंट, नीचे होता है 2500 का 100, खत्म, एंड फिनिश, समाप्त, टाटा बाय बाय। 13 सवाल लगाने में कितना समय लगाए हो जी बताओ? चलो स्पीड को थोड़ा सा डाउन करते हैं, द डिफरेंस, क्योंकि वो सारी चीजें ऐसी थी जो तुम्हें चुटकियों में करना होगा, इसी तरह तुम डेवलप हो पाओगे। द डिफरेंस बिटवीन टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1350 एट डिफरेंट रेट्स इतना, 3 ईयर एज इतना। अच्छा मतलब ये हो रहा है कि प्रिंसिपल सेम है, प्रिंसिपल सेम है, रेट जो है एक बार R1 है एक बार R2 है, टाइम जो है वो 3 ईयर है, टाइम 3 ईयर है, प्रिंसिपल सेम है। तो SI इसमें, SI का डिफरेंस क्या आ रहा है, SI1 अगर बात करें, SI2 की बात करें, तो SI1 माइनस SI2 की जो बात आ रही है वो आ रही है 4.5। क्लियर है? तो बस फॉर्मूला लगा दो ना जी, PR1T/100 माइनस PR2T/100 इक्वल टू SI का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ SI। तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा, PT/100 इक्वल टू R1 माइनस R2 इक्वल टू SI का डिफरेंस। बस रख दो सारे, P कितना है 1350, टाइम कितना है 3/100, R1 माइनस R2 की वैल्यू, R1 माइनस R2 की वैल्यू तो निकालने, फाइंड द डिफरेंसेस जी। SI कितना दे दिया 40.5, काटो पीटो, ये कटा, ये कटेगा क्या जी, काटो, 5 × 10 535, 5 × 8 = 40 और 5 × 1 = 5, 27 × 27 0.3, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 से काट दो 0.1, 10 से मल्टीप्लाई कर दो 1%। भाई मजा आया, देखो कैलकुलेशन बैठ के नहीं सिखाने वाला हूँ मैं यहाँ तुम्हें चीजें समझाने वाला हूँ कि फ्रैक्शन से कैसे खेलना है तुम्हें। चलो आ जाओ भाई आ जाओ, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, देखो कमियां ढूंढो, बड़े ध्यान से पढ़ाया है सब कुछ। ए सम ऑफ मनी एट 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम 3 times इन अ सर्टेन टाइम, नाउ एट व्हाट परसेंटेज द रेट ऑफ इनकम इतना, याद करो, एक सेकंड, हाँ याद करो, नहीं याद आ रहा है, N1 - 1 = R1T1/100, N2 - 1 = R2T2 अपॉन 100, टाइम सेम है, हटा दो इनको, ये क्या आ जाएगा, N1 - 1 / N2 - 1 = R1/R2, रख दो ना जी, 3 - 1 = 2 और 6 - 1 = 5, R1 की वैल्यू 4, R2 की वैल्यू निकालनी है, कितना आसान सवाल है जी, तुम लोग क्या क्या करवा रहे हो, ऐसे सवाल तो अब तुम लोग चुटकियों में हिला दोगे, बस पढ़ के समझ में आना चाहिए तुम लोगों को। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 12 ईयर इज 3 times ऑफ द प्रिंसिपल, 12 साल में 3 साल हो रहा है, रेट पूछ रहा है, 3 times हो रहा है, तो N-1 = RT/100 याद है ना जी, N-1 = 2, R की वैल्यू निकालनी है, टाइम दे दिया 12 साल अपॉन 100, तो 2 × 12, तो ये कितना आ गया 100/6, तो ये कितना हो गया जी 50/3, 50/3 मतलब 16 × 48 = 48, 2 × 50/3, डन। अरे बढ़िया जी बढ़िया, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम विल ए सम बिकम 7/4 ऑफ इटसेल्फ इन 4 ईयर, क्या कह रहा है ध्यान से समझना, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम विल ए सम बिकम 7/4 ऑफ इटसेल्फ, मतलब पहले ये पी था अब ये 7/4 हो गया पी का, मतलब एन की वैल्यू दे दी गई है 7/4 और ये कह रहा है टाइम दे दिया गया 4 ईयर, रेट बता दो जी, 7/4 - 1 R1 × 4/100 3/4 = R × 4/100, 4 से इसको काटा ये हो गया 25, 25 × 75 = 4, 18 × 72 = 75 = 4, मजा आया अजी, मजा आया तो होगा ही, मैं उम्मीद यही करता हूँ। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए मनी इज 1/9 ऑफ ए प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट कितना दे दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट इज द 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल, फाइंड द रेट परसेंटेज इफ द टाइम एंड द रेट आर न्यूमेरिकल इक्वल, ध्यान से समझना ये सवाल बहुत बढ़िया है, SI/P की वैल्यू तुम्हें दे दी गई 1/9, ठीक है, अब देखो SI क्या होता है जी, PRT/100, इनको नीचे कर लो, SI/P कितना होता है जी, RT/100, एक बात कही है, रेट और टाइम न्यूमेरिकली इक्वल है, मतलब रेट इक्वल टू टाइम, SI की वैल्यू, SI/P की वैल्यू 1/9, RT की वैल्यू
अजी आर इक्वल टू 230 को कर दो आर स्क्वायर बाय 100, इनको यहाँ भेजो, जाइए चाचा को यहाँ भेजो, ये आ जाएंगे 100/9, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/9% 10/3% आ जाएगी ना जी। कहोगे 3 × 9 = 10/3 भैया मजा आया, अरे मजा आया, मजा तो आ ही रहा होगा। ये स्पीड तुम्हें लानी है, रेट रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड द अमाउंट। क्यों वाला, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैंने तुम्हें परसेंटेज पढ़ाया फ्रैक्शन पे, मैंने तुम्हें प्रॉफिट लॉस पढ़ाया, तुम अभी भी वही फॉर्मूले में थोड़ी खेलोगे यार, मैंने तो तुम्हें अलग चीज स्ट्रीम सिखा दी है। रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट वन ईयर में इतना है, देन द रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अच्छा प्रिंसिपल और अमाउंट का दे दिया कितना, 10/12, तो भैया ये होगा 2:2 क्या होगा, SI होगा, SI क्या होगा, 2:2 SI मिल गया ना, 2:2 कैसे मिला जी, कहोगे भैया SI जो होता है वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, तो 2:2। अब मैं तुमसे कहता हूँ कि RT क्या होता है, RT परसेंटेज क्या होता है, कहोगे भैया ये होता है SI/P, SI की वैल्यू 2:2, प्रिंसिपल की वैल्यू 10:1, 1/5 कितना फ्रैक्शन परसेंटेज होता है जी, कहोगे भैया 20%। भाई अगर उस लड़के को जो फ्रैक्शन नहीं पढ़ा है मेरे से, उसे ना हवा लगना, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना, फिर प्रिंसिपल अपॉन अमाउंट का रेशियो दिया गया था, हमने SI वहां से निकाल लिया, रेशियो में खेल रहे, रेशियो में खेल रहे, SI निकाल लिया, RT परसेंटेज क्या होता है, SI/P होता है, 1/5 आ जाता है, मजा आया, अरे मजा तो आया होगा दोस्त, खेलना सिखा रहा हूं तुम्हें, खेलना, विश्वास खाली करना। चलो ये सवाल होमवर्क में लगा लेना, अब देखो जो होमवर्क का होमवर्क करके देगा तभी मुझे लगेगा कि हाँ भाई कोई एक तो बच्चा पढ़ रहा है, कोई एक दो तो पढ़ रहा है, मैं सोच लीजिए इसके लिए आपके लिए अलग से एफर्ट कर रहा हूँ, अलग से बेसिक मैथ, सिर्फ कुछ स्टेट में पूछा जाता है बेसिक मैथ, लेकिन मैं पूरा बेसिक मैथ पढ़ा रहा हूँ, इट्स माई एफर्ट फॉर यू एंड वॉट यू हैव टू डू, गिव योर फुल एफर्ट, ठीक है, कभी किसी चीज की जरूरत पड़े किशन भैया को याद करें ना, जान दे देंगे। चलो तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन बहुत जानदार लगा होगा, अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है और आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो, कनेक्ट होकर पढ़ना चाहते हो, तुम्हें मेरी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो मेक श्योर इसको ज्वाइन करो, दुनिया की वो हर चीज़ दूंगा जो मेरे से हो पाएगी, ठीक है, तो टेस्ट सीरीज फटाफट ज्वाइन करें, किसी को कोई दिक्कत आती है यू कैन कॉल मी, मैसेज मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल विथ यू, कॉलिंग और मैसेज का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।